बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान को $1 अरब की जो किस्त थी वो फॉरवर्ड होने की मंजूरी दी IMF ने, और पाकिस्तान ने अपना स्टेट बैंक जो है वो लिख के दिया है IMF को। और दूसरी तरफ इंडिया का जो इंडियन एयरलाइन थी वो उसने टाटा को बेची है। और इस तरह ये दोनों मुल्क अपनी अपनी चीज़ें बेच के ना दुश्मनी निभा रहे हैं। सल्यूट करने को दिल कर रहा है रेड क्लिफ को और गोरों को, जिन्होंने इनको आज़ाद करने के साथ साथ अपनी दुकानदारी भी चलवा ली कि ये बेच बेच के एक चीज़ अपनी आज़ादी को टुकड़े टुकड़े करके बेचेंगे किस्तों में, और फिर हमसे असले लेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। देखते हैं कब तक चलता है ये निज़ाम, कब हमें अक्ल आएगी, हमें बर्दाश्त करने की ताकत पैदा होगी। पाकिस्तान पे फ़ौज आई, बड़े बड़े सख्त हुक्मरान डिक्टेटर आए, क्या उखाड़ लिया उन्होंने इंडिया का। और इंडिया पे कैसे BJP कितनी दफ़ा आ गई है, क्या कर लिया उसने पाकिस्तान का। मेरा ख्याल है बर्दाश्त करने वाले सामने आने चाहिए, अब एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे को झील लें और अच्छे हमसाए तरह रहें। दुआ कीजिएगा, हम भी करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया।